हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बड़ी ही टेस्टी कचौड़ी जो कि हम बनाएंगे आटे से। ये एक कटोरी भर के मैंने आटा ले लिया है और इस आटे में स्वाद के लिए हम मिलाएंगे नमक। एक चम्मच नमक मैं इस आटे में मिला दूंगी, लगभग थोड़ा छोटा चम्मच मिला है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। और आटे को खस्ता करने के लिए हम लेंगे एक छोटी कटोरी में इस तरीके से रिफाइंड ऑयल, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वही ले सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा। और इस आटे को रेडी करने के लिए मैं इसको गूंदूंगी सिंपल गुनगुने पानी में। बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं चाहिए, जैसे हमारा ताज़ा पानी होता है उस तरीके का टेम्परेचर का पानी हम लेंगे। और उससे पहले हम इस ऑयल को अच्छे से इस आटे में पूरी तरह से मिला लेंगे इस तरीके से। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे आटे का दाना दाना होता है उसमें अच्छे से ये ऑयल मिल जाता है और जो खस्ता बनता है, जो भी हम बनाते हैं कचौड़ी बना रहे हैं या समोसे बना रहे हैं, उसमें जो खस्तापन आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप पहले आप आटे में इस तरीके से अच्छे से इसको मिला लें। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को नॉर्मल कचौड़ियाँ जो हम बनाते हैं उसी प्रकार से गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा लूज़ आटा भी हमें नहीं बनाना है। पानी कम लगेगा क्योंकि हमने ऑयल डाला हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इस आटे को रेडी करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ और अपने आटे को रेडी कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने आटे को रेडी करें। आटे को इस तरीके से हम अच्छे से मल के नरम कर लेंगे। आटे को थोड़ा चार पाँच मिनट आप अच्छे से मलें ताकि आटा अच्छा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। चाहे तो आप 4-5 मिनट के लिए उसे ढक के रख दें तो और अच्छा सॉफ्ट आटा हो जाता है, ये तो आटे की खासियत है। और इस तरीके से मलने के बाद में आटा जब आपका एकदम सॉफ्ट हो जाए, आप इसकी बनाएंगे छोटी छोटी गोल पेड़े। मैं बता देती हूँ, देखिए आटे की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होगी, बहुत टाइट भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है ना? पूड़ियों से थोड़ा नर्म और कचौड़ियों की थोड़ा सा हल्का सा टाइट। तो अब हम इसके इस तरीके से गोल गोल अपने छोटे खूब सारे पेड़े सारे आटे से बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए आप इसी तरीके से अपना आटा धीरे धीरे पेड़े बना लें। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। इन टेस्टी कचौड़ियों को बनाने के लिए हमें चाहिएगी ये मूंग की दाल, जिसे मैंने लगभग 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है। और अब इसको मैं इसका पानी पूरी तरह से निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसको छन्नी में रखा हुआ है ताकि इसका पूरा पानी बिल्कुल निकल गया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं मिक्सी के जार में। देखिए ये हमने मूंग की दाल को पीस लिया है। मैंने मूंग की दाल को देखिए इस तरीके से दरदरा पीसा है, बहुत बारीक नहीं किया है और गाढ़ा पीसा है, इसमें पानी भी नहीं डाला है। ये बहुत ही अलग स्टाइल की और बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और ये देखिए ये मैंने इसमें डालने हैं ये वाले मसाले, तो स्वाद के लिए जो मसाले नॉर्मली घर में होते हैं वही मैंने लिए, इसको स्पेशल मसाला नहीं लिया है। ये चाट मसाला है थोड़ा सा, आधा सा चम्मच, ये गरम मसाला लगभग आधा चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने स्वाद से ले लें, तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले लें, कम तीखा खाते हो तो कम लें। और मिर्च का भी देखना पड़ता है कि कोई कोई मिर्चें बहुत तीखी होती हैं तो आप अपनी मिर्च उसी हिसाब से लीजिएगा। ये थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने हल्दी पाउडर लिया है और
ये हमने लिया है स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। मैंने लगभग जो है एक चम्मच भर के नमक लिया है। आप देख लीजिए कि थोड़ा चटपटा खाते हैं तो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इन सभी मसालों को अब हम इस अपने पिसी हुई दाल के अंदर मिक्स कर देंगे इन दिस वे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देते हैं और ये हमारा जो है पेस्ट रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन दिस वे। और ये हमने अपनी मूंग की दाल का जो तैयार करना था पेस्ट वो भी बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसका तरीका रहेगा इस प्रकार से। अब हम अपने आटे के पेड़ों से इस तरीके की पूड़ियां बना लेंगे और पूड़ियों के ऊपर अपना ये जो हमने मूंग दाल का पेस्ट तैयार किया है इसको लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा दबाते हुए लगाना है ताकि ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाए। ठीक है, हल्के हाथ से नहीं लगाना है क्योंकि फिर थोड़ा सा ऊपर ऊपर रह जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा हटने लगेगा। ज़्यादा तो नहीं हटता लेकिन फिर भी थोड़ा हट जाता है। तो आप इसको इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से लगाएं, अपनी फिंगर से प्रेस करते हुए। सही बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही करारी और चटपटी कचौड़ियाँ अलग प्रकार की ये बनती हैं। आप इनका जो है ब्रेकफास्ट में इनको बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, कोई मेहमान आया है आप उसके लिए बना सकते हैं। बिल्कुल अलग डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें। और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत अच्छी हेल्दी है। देखिए दूसरी साइड से भी मैं लगा रही हूँ इसको, है ना, इस तरीके से दूसरी साइड से भी मैं अच्छे से प्रेस करते हुए लगा दूँगी। और इसमें देखिए रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, लॉट ऑफ एनर्जी। So it is very healthy for your children, for your guest and everyone in this way. और मैं देखिए एक और के ऊपर लगा देती हूँ इसी तरीके से ही। आप चार पांच पूड़ियाँ जो है पहले से बना के रख लें ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए। फटाफट फटाफट आप इस तरीके से लगाते चलेंगे और फिर देखिए बिल्कुल फटाफट फ्राई करेंगे। मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने लगा दिया है। देखिए दूसरी साइड लगा देती हूँ, इसी तरीके से आप लगा दें। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी खाएं। और खाली चाय के साथ भी ये बहुत प्यारी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारी तैयार कर ली है। आप भी अपनी पूड़ियों को इसी तरीके से दोनों तरफ से मूंग दाल का पेस्ट लगा करके इसको रेडी कर लें। ये देखिए अब मैंने अपना तेल जो है वो रेडी कर लिया है और गरम कर लिया है। तलने के लिए हमें गरम चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा आटा डाल के आप चेक करें। ये देखिए एकदम ऊपर आ गया आटा, इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गरम है। अब इसमें जो कचौड़ियाँ ये हमने रेडी किया था, क्या ये अब हम अपनी कचौड़ियों को इसमें एक एक करके डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इनको हम थोड़ा तेल जो गैस है वो आप अपनी मीडियम फ्लेम पे रखें। इसी प्रकार हम अपनी दूसरी कचौड़ी भी साइड में, आप अपनी कढ़ाई के अकॉर्डिंग दो या तीन कचौड़ी एक साथ सेक सकते हैं और इस तरीके से इनको पलटते रहें, इस तरीके से पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएं। कचौड़ियों का कलर इस तरीके से देखिए हल्का ब्राउन रेडिश हो जाए और आप तब अपनी कढ़ाई में से इनको निकाल सकते हैं। एकदम से बहुत तेज आग करके ना सेकें, नहीं तो फिर कम करारी होंगी। चलिए सारी कचौड़ियों को निकाल लेते हैं। कचौड़ियाँ हमारी जो हैं वो रेड हो गई हैं। आप अपने अनुसार जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं और इनको इवनिंग टाइम में चाय के साथ एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं।
ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता, ये देखिए साउंड कितनी अच्छी है, और ये देखिए आपस में, ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी हमारी रेडी हुई है। आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं अपनी विश की चटनी के साथ में, चाय के साथ में। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज, स्वादिष्ट रेसिपीज देखने के लिए देखती रहिए मॉम्स विला। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।